दोस्तों नमस्कार, जय माता दी की। और आज है नवमी, और आज हमारे यहाँ नवमी का रात्रि में हवन हो रहा है माता जी के यहाँ। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कैसा क्या हवन है। और अभी फिलहाल में यहाँ भूरू भैया और ये समिति के लोग आराम कर रहे हैं। इनकी 12 बजे से रात को ड्यूटी चालू होगी। और इधर कमलेश भाई भी आ चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी की। तो दोस्तों अभी ये सारी रात हवन चलेगा। 12 बजे करीबन स्टार्ट हो चुका है। पूरी पूजन की सामग्री वगैरह, हवन वेदी, पंडित जी अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं। और सारे जो जोड़े हैं, 7 जोड़े इस हवन को समापन के लिए 7 जोड़े बिठाए गए हैं। तो जो मेन यजमान है वो आहुति घी की छोड़ेंगे, बाकी के लोग जो हवन सामग्री वो छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू होती है पूजा। मैं दिखाता हूँ आपको पहले हवन वेदी वगैरह कैसा कंप्लीट हुई है और पूरी सामग्री रखी हुई है पूरे 7 जोड़े। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हम हवन वेदी कंप्लीट हो चुकी है और हवन की सामग्री और सभी जोड़े यहाँ बैठ चुके हैं। इधर है ओम प्रकाश भाई और राकेश भाई। प्रकाश भाई दिख नहीं रहे हैं, इधर से दिखाता हूँ। हाँ, और बनवारी भैया, और सामने माता जी विराजमान, और इधर सब लोग बैठे हैं। कमलेश भाई, मास साहब वगैरह, गुलाब भाई, और इधर हमारे मास साहब सो रहे हैं, ये नवरात्रि की थकान निकाल रहे हैं यहाँ पर। और इधर हमारे कमल दादा, गोविंद भाई, ये देखो मास साहब फुल नवरात्रि की यहाँ थकान निकाल रहा है। यज्ञ वेदी के सामने विराजमान हमारे पंडित जी महाराज। और ये यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब कुछ ही क्षणों के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा दिखाएंगे आपको सुबह अभी से लेके विसर्जन तक का। ब्रह्म मुहूर्त में आरती होगी, ये सारी रात चलेगा हवन। सभी लोग एक एक कांच में जल घुमा के सामने छोड़ दीजिए। तो अभी हवन का रेस्ट हो चुका है, पोहे वगैरह बन रहे हैं इधर, ये देखो आप। और चाय का पहले एक बार दौर हो चुका था, क्योंकि जिनको नींद आ रही थी उनने चाय पी चुके हैं। तो पोहे का दौर हो चुका, फिर पुनः एक बार स्टार्ट चाय का दौर, और सब लोग चाय वगैरह पी के फिर पुनः स्टार्ट हो जाएगा हवन। फिर उसके बाद सुबह सुबह होगी आरती। और चाय वाली पार्टी उधर छाँट दिया है, पोहे नहीं दिए गए उन लोगों को जो हवन पे बैठे हैं। तो वो उधर दूर पोहे की खुशबू से दूर हो गए हैं, बाकी इधर सब लोग जो पोहा वाले हैं, जो पोहा वाले हैं, जो पोहा खा रहे हैं। 9 दिन इनका बहुत मुंह का स्वाद बिगड़ गया था,
अभी बस 1 बजे के करीबन में पोहा खा चुका है ये लोग। ब्रेक के बाद पुनः फिर अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं, फिर हवन चालू। Bye.